मेरा ये है कि मैं युग गिर जाता है क्लिफ से और मैं उसे बचाने जाती हूँ और मुझे बहुत चोट आ जाती है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। तो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी और मैं कहीं ना कहीं उसको चिढ़ा भी रही हूँ कि मैं तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हूँ ना, तो आप क्यों ऐसे सब कर रहे हैं, तो इंसानियत के नाते कर रहे हैं ना। तो मैं उसकी खींचातानी भी हो रही है, रोमांस भी हो रहा है कि वो मतलब मुझे पता है कि वो अंदर ही अंदर मुझसे बहुत प्यार करता है क्योंकि वो इतना टेक केयर कर रहा है मेरा, और वो भी सब कुछ भूल, मतलब गुस्सा वुस्सा सब भूल के क्योंकि मैं बीमार हूँ तो ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ मी। तो फिलहाल उसका वो गुस्सा नहीं है, बट वो गुस्सा है बट वो छुपा है क्योंकि उसका केयर आ रहा है। यही ट्रायंगल है कि शादी दुनिया के लिए युग और गौरी की हुई है, तो पर मुझे युग तो मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ और मुझे अंदर ही अंदर पता है कि मैं उसकी असली वाइफ हूँ। तो हम दोनों का प्यार होता है बट ये इंटेंशनल नहीं होता है, अनइंटेंशनल होता है और दिख जाता है कहीं ना कहीं केयर या कुछ दिखाने में, बीमार हो गया या कुछ, तो वो सब गौरी को देख के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसको लगता है कि मैंने तो शादी के बाद उसको लगा मैंने पा लिया युग को, बट वो अब जेलस हो रही है ये सब देख के। दवाई क्यों नहीं ली तुमने? नहीं नहीं चाहिए। बच्चों लेने का जरूरत है? अरे हमें नहीं खाना, जरूरत नहीं है। मुझे क्यों? बहुत कर दिए। वहाँ तो बड़ी टार्जन बन रही थी। हाँ और दवाई खाई जा रही तुमसे? टार्जन बनना ये खाने से ज्यादा आसान है। नहीं नहीं यूं हाँ हम नहीं खाएंगे, हम नहीं 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 हम नहीं खाएंगे। नहीं बहुत मैं बहुत स्ट्रांग बन चुकी हूँ अभी और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि गौरी को अब एक लेसन सिखाऊँ क्योंकि जो किया उसने वो गलत है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अब भी प्यार करती हूँ क्योंकि वो मेरी सिस्टर है, बट जो उसने किया उसके लिए आई एम गोइंग टू टीच हर अ लेसन। फिर वो जो भी करेगी, जैसे वो प्रसाद में पॉइजन डाल देगी तो मैं उस पॉइजन को हटा दूंगी और फिर मैं उसको मुँह तोड़ जवाब दूंगी, दादी के सामने मैं बोल दूंगी कि इसको तो दौरे पड़ते हैं इसलिए ऐसे बोल रही कि मैंने पॉइजन मिक्स किया ऐसे। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे करूँगी कि उसको समझ में आएगी और मैं इतना उसको तंग कर दूँगी कि वो अपने सिंस एक्सेप्ट करे, अपनी गलती एक्सेप्ट करे।